हेलो इंटेलिजेंस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ अक्षय चोपड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ अक्षय चोपड़ा मैथ्स, जहां हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की तरफ, ठीक है जी, जिसकी हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे लास्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो क्राइटेरिया और एक बीपीटी का प्रूफ है, ठीक है जी, वो हमेशा पेपर में आता है, तो वो हम आज इस इंट्रोडक्शन में करेंगे और इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्राइटेरिया देख लो। सबसे पहले क्या है क्राइटेरिया फॉर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है जी। ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए आपके पास तीन चार पॉइंट हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है SSS, यानी कि साइड साइड एंड साइड, ठीक है जी, साइड साइड एंड साइड, ठीक है जी। ये क्या कहता है कि दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे। बेटा, पिछली वीडियो में तो हमने डेफिनेशन करी थी ना सिमिलैरिटी की, अब ये है कि हम उसको मैथमेटिकली सोल्व कैसे करें कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं, ठीक है जी। तो वो कैसे होता है बेटा कि जैसे साइड 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 का मतलब क्या कि जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल हैं आपके पास, एक ये वाली ट्रायंगल है एक ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है जी। ये सिमिलर कब होगी, मान लो ये ए बी सी, ये क्या पी क्यू एंड आर, ठीक है जी। ये तो बाय डेफिनेशन है, जो हमने अभी डेफिनेशन भी करी थी, ठीक है जी। ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगी, इफ़ उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी, मतलब ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बेस की रेशो और इसके बेस की रेशो, बी सी अपॉन क्यू आर राइट साइड की और इसकी राइट साइड की रेशो, ए सी अपॉन पी आर, समझ गए। ये क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ना। लास्ट वीडियो में कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझाया था कि लेफ्ट लेफ्ट, बॉटम बॉटम, राइट राइट, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, जो सेम डायरेक्शन में, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट, इसका भी राइट और इसका भी राइट, इसका बेस और इसका बेस, ठीक है जी। ये सारी रेशो क्या हों, इक्वल हों, तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, SSS क्राइटेरिया, ठीक है जी। अब इनको अप्लाई वगैरह कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है जी। देखो, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, अब क्या थी, तीनों साइड्स थी, अब क्या तीनों एंगल ले लो, ए ए ए, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे, एंगल एंगल एंड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है जी। अब जैसे ये क्या था कि कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम हो, तो एंगल एंगल क्या बोलेगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स सेम हो, ठीक है जी। तो ये क्या कहता है कि ये वाली एक ट्रायंगल है मान लो और ये वाली एक ट्रायंगल है मान लो, ये क्या है जी ए बी सी, ये क्या है पी क्यू आर। अब ये कब सिमिलर होंगी, इफ़ इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो क्या हो, कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। अब कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल आपस में सेम है, ये लेफ्ट एंगल और इसका भी लेफ्ट एंगल, यानी बी और क्यू आपस में सेम है, इसका राइट एंगल और इसका राइट वाला एंगल यानी कि सी और आर आपस में सेम है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, समझ गए। या तो आप तीनों साइड देख लो, मतलब इनकी रेशो सेम आए, या तो आप तीनों एंगल देख लो कि ये तीनों एंगल बराबर हों, तो ये दो चीज़ें होगी सिमिलैरिटी चेक करने की, तब भी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है जी। अब देखो, एंगल एंगल ये तीन है ना, अगर देखो बेटा आप तीन की जगह दो भी एंगल कर लोगे ना तो भी सफिशिएंट होगा, ठीक है, तीन की जगह आप दो एंगल चेक कर लोगे तो भी सफिशिएंट होगा। क्यों, ये देखो, अगर आप इसको ए ए क्राइटेरिया भी बोल दो, यानी कि एंगल एंड एंगल, मतलब तीन की बजाय अगर आप दो एंगल भी चेक कर लो ना तो भी सफिशिएंट है। अब बेटा वो कैसे, देखो मान लो मेरे पास एक ये ट्रायंगल है जैसे ए बी सी और एक ये ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल्स हैं ना मेरे पास। अब देखो ये कब सिमिलर होंगी, अगर इनके कोई दो कोरस्पोंडिंग एंगल देख लो, मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एंगल ए और एंगल पी सेम है, मतलब ये वाला और ये वाला, दूसरी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी सेम है ये वाला, तो
तो ये भी मेरे लिए सफिशिएंट है। क्यों बेटा? क्योंकि देखो अगर ये दोनों एंगल सेम है, मान लो मैं कहूँ कि ये भी 30 है और ये भी 30 है, ठीक है जी। इसी तरह से मान लो मैं कह दूँ कि ये 70 है ये भी 70 है, इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो बेटा जब मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स को प्लस करके कितना आता है, 180 डिग्री ना। तो अगर ये 30 है ये 70 है, 30 + 70 कितना हो गया 100, तो यानी कि ये जो तीसरा बचा वो 80 होगा ना, क्योंकि सम 180 होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी 30 + 70 क्या है 100, तो तीसरा ऑटोमेटिकली 80 होगा। तो यानी कि अगर आपके कोई दो कोरस्पोंडिंग एंगल सेम आ गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम आ ही जाएगा। तो यानी कि तीन एंगल्स देखने की बजाय अगर आप कोई दो कोरस्पोंडिंग एंगल भी देख लोगे ना तो वो भी सफिशिएंट है, फिर भी आप बोल सकते हो कि आपकी ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ज़रूरी नहीं तीन एंगल देखने हैं, हाँ लेकिन साइड्स तीनों देखनी पड़ेंगी, ठीक है। जब साइड्स आपको तीनों देखनी पड़ेगी, लेकिन अब ये भी है कि जब आपको साइड्स दो देखनी पड़े तब भी हो जाएगा, ठीक है जी। देखो बेटा सिमिलर करने के लिए हमें हमेशा तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कौन सी तीन चीज़ें आई हैं, यहाँ पे तीनों साइड्स आ गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे तीनों एंगल्स आ गए, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे दो एंगल्स आ गए, लेकिन ये दो भी तीन के बराबर ही हैं क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होएगा। तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें आ गई। अब अगर साइड्स दो आ गई तो फिर तीसरा एंगल उनके बीच में आ गया, ठीक है। तो सिमिलर करने के लिए हमेशा हमें तीन चीज़ें ही चाहिए होती हैं, ठीक है जी। इसको भी दो मत समझना क्योंकि तीसरी ऑटोमेटिकली इक्वली होगी, फिर समझ गए ना, चीज़ें हम तीन ही देख रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल एंड साइड, इसको ऐसे बोलेंगे साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स के बीच में एंगल है, दो साइड्स के बीच में एंगल है। अब ये क्या चीज़ है देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है मान लो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है मान लो पी क्यू एंड आर, ठीक है जी। अब इनको मैं सिमिलर बोलूँगा इफ़, ये कब सिमिलर होंगी बेटा, मान लो कि ए बी और पी क्यू है, मेरे पास क्या है ए बी अपॉन पी क्यू है और बी सी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू, इनकी रेशो सेम दे दी। जैसे मान लो मेरे पास ये साइड दे दी ये 2 है, ये मान लो मैं बोल दूँ 6 है, यानी इसका 3 टाइम्स है ना। तो ये अगर 5 है तो ये 15 है, ये भी 3 टाइम्स है, मतलब मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है, तीसरी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तीसरी की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर मैं ये साइड 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 वाला तो लगा ही नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि इसके लिए तो तीनों साइड की लेंथ चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाय चांस अपने को गिवन है दो साइड्स की लेंथ, ये वाली और बीच वाली, और इन दोनों साइड्स की रेशो सेम आ रही है, अगर आप 2/6 करो तो कटिंग होके 1/3 आएगा, अगर आप 5/15 करो फिर भी कटिंग होके 1/3 आएगा, यानी दोनों की रेशो आ गई ना सेम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच वाला जो एंगल है अगर वो सेम आ गया, यानी कि अगर एंगल बी और एंगल क्यू जो इनके बीच में है वो भी सेम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। ध्यान रखना बेटा कि ये जो भी वाला एंगल है ये एंगल होगा बीच वाला एंगल, कौन सा एंगल होगा बेटा, बीच वाला एंगल होगा, ये समझ गए एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोण, ये कोण कौन सा होगा बेटा, बीच वाला। आप ये नहीं करोगे कि अगर मान लो आप ऐसे बोल दो कि मैं कहूँ कि मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, मैं बोलूँ कि मेरे पास 2/6 ये गिवन है, 5/15 ये गिवन है, लेकिन मुझे ये वाले एंगल की बजाय मान लो मैं कहूँ कि मुझे ये वाला एंगल सेम गिवन है, ठीक है, मान लो मैं कहूँ कि मुझे ये वाला एंगल सेम गिवन है, फिर मैं इनको सिमिलर नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि बेटा कि जो दो साइड्स तुमको गिवन है ना, एंगल उनके बीच में ही होना चाहिए, बाहर वाला एंगल हम नहीं ले सकते, इसलिए इसका नाम देखो साइड एंगल साइड, पहले एक साइड फिर बीच का एंगल फिर दूसरी साइड, समझ गए। तो इस वजह से नाम भी ऐसा रखा हुआ है कि ये एक साइड ये दूसरी साइड और दोनों साइड के जो बीच में एंगल है, समझ गए ना, तो इसका नाम भी ऐसा ही रखा है साइड एंगल साइड। तो यानी कि आप जो भी दो साइड्स लोगे, ठीक है, मान लो अगर आपको एक ये वाली साइड कोरस्पोंडिंग गिवन है और एक ये राइट वाली साइड कोरस्पोंडिंग गिवन है, फिर आपको इस अपर एंगल पे कंसंट्रेट करना होगा कि ये एंगल इक्वल करना है मेरे को,
फिर जाके मैं सिमिलर कहूँगा, फिर इस एंगल से बात नहीं बनेगी लेफ्ट वाले से। बात को समझ रहे हो ना? साइड एंगल, साइड दो एंगल्स के बीच, दो साइड्स के बीच में फंसा हुआ एंगल ऐसे बोल सकते हो, ठीक है हिंदी में, ठीक है, दो साइड्स के बीच वाला एंगल, वही एंगल कंसीडर करेंगे, समझ गए? चलिए तो ये थे आपके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है जी। 10 मिनट का काम था, हो गया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब जो मेन काम आ गया अपना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आ जाता है पेपर में, ठीक है, ठीक है ना बेटा, इसका प्रूफ पेपर में बहुत बार पूछते हैं। बीपीटी देखो क्या क्या नाम है इसके, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है जी। और इसका नाम क्या है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपीटी, और इसका नाम क्या है, थेल्स थ्योरम, ठीक है जी। अपने एक साइंटिस्ट जो साइंस की फील्ड में काम करते हैं उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, जो मैथ्स की फील्ड में काम बोल करते हैं उसको मैथमेटिशियन बोलते हैं। तो ये अपने थेल्स अंकल थे मैथमेटिशियन बड़े तगड़े, उन्होंने ये थ्योरम दी थी तो उनके नाम पे ये थ्योरम का नाम रख दिया थेल्स थ्योरम, ठीक है जी। थेल्स का मतलब थेल अंकल की थ्योरम, ठीक है। चलो अब थेल अंकल ने क्या बोला था, ये आपकी स्टेटमेंट, ठीक है जी। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर प्रूफ लिखता हूँ, ध्यान से देखना इसको। स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ़ आ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल, पहले स्टेटमेंट देख लो फिर सारा हिंदी में बताऊंगा कि है क्या। व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है जी। जब क्या है, ट्रायंगल की एक साइड पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है जी। टू इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट करे भाई, अदर टू लाइंस, टू इंटरसेक्ट अदर टू लाइंस बोल दो, साइड्स बोल दो, चलो जो भी है, ठीक है। अदर टू साइड्स और लाइंस ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक है जी। देन दी अदर टू साइड्स, जो बाकी दोनों साइड्स हैं, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो, बाकी दोनों साइड्स क्या है, सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। या इसको दूसरा डिवाइडेड इनटू सेम रेशो को सिंपल, एक सिंपल से वर्ड में भी बोलते हैं प्रोपोर्शनल, बात खत्म, समझ गए। आप ये भी लिख सकते हो साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो या प्रोपोर्शनल, सीधी सी बात है। अब बेटा इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट कहती क्या, देखो कहती क्या ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ऐसे बोलती है कि मान लो तुम्हारे पास एक ये ट्रायंगल है, चलो थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, तुम्हारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, पी क्यू आर मान लो, ठीक है। उसने बोला कि कोई भी एक साइड उठा लो ट्रायंगल की, मान लो क्यू आर साइड ले ली, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी ट्रायंगल के अंदर, जो कि ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स को कहीं ना कहीं कट कर रही है, समझ गए बात को, समझे क्या था कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल, अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेगी ट्रायंगल की एक लाइन पे, ताकि वो ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो, तो उन साइड्स की रेशो सेम हो जाएगी, यानी पी डी अपॉन डी क्यू, यानी कि पी डी अपॉन डी क्यू करूँ मैं और पी ई अपॉन ई आर करूँ मैं, पी ई अपॉन ई आर करूँ मैं, तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, और ये हमेशा ही हमेशा होता है, समझ गए क्या कह रहा है, कि अगर एक लाइन है पैरेलल ड्रॉ करेगी ट्रायंगल की किसी लाइन पे, तो जो बाकी दोनों लाइंस हैं वो क्या है, सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है, यानी पी डी अपॉन डी क्यू और पी ई अपॉन ई आर, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपस में सेम होंगी, ठीक है जी। अब इसका नंबर टू भी है अपने पास, नंबर टू का मतलब क्या है कि जैसे मान लो पी डी, अगर मैंने इसको अपॉन पूरा कर दिया पी क्यू, ठीक है, इसी तरह से पी ई अपॉन पूरा कर दिया पी आर, ये भी आपस में क्या होंगी, सेम, ठीक है, ये इसी से निकलता है, जब इसका प्रूफ करेंगे ना देख लेंगे इसको भी, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है,
कि जब भी एक लाइन ड्रॉ करेगी किसी भी लाइन के पैरेलल, तो बाकी दो लाइनें सेम रेशियो में डिवाइड होती, ठीक है। अब बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कहीं हमें ये यहाँ पे करनी है। नहीं बेटा, जहाँ मर्जी कर लो। मान लो ये मैंने ट्रायंगल ले ली, तो मैं इसके पैरेलल कर देता हूँ ड्रॉ, ये लो, समझ गए ना, ये मेरी ट्रायंगल थी ए बी सी, मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी बेटा डी ई, तो फिर भी ए डी अपॉन डी बी फिर ये हो जाएगा, और ए ई अपॉन ई सी ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। समझ गए। कोई भी लाइन उठा लो बेटा, किसी के भी पैरेलल कर लो, ज़रूरी नहीं है कि ये बेस वाली लाइन के पैरेलल ही करना है, समझ गए ना। तो ये कहती है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बीपीटी और थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका प्रूफ बेटा, पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है जी। चलो अब इसका प्रूफ करते हैं, पहले ध्यान से देखना प्रूफ क्या है। चलो प्रूफ करते हैं इसका, ये लो ये आ गया जी प्रूफ। प्रूफ में क्या है, प्रूफ में है बेटा सबसे पहले जो भी हमने प्रूफ करना है, ठीक है जी, हम क्या करते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखते हैं। देखो बेटा, मैं ना पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, ठीक है, पेन से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि स्केच फिर भी मोटा मोटा चलता है ना। देखो ये एक ट्रायंगल है, चलो ये मैंने कर दी एक ट्रायंगल ड्रॉ, ठीक है जी। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती थी कि एक आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो इसके, ठीक है। अगर ये ए बी सी नाम दे दें इसको, डी और मान लो ई नाम दे दें इसको, ठीक है जी, समझ गए ना। तो ये होगी अपनी ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी। अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले बेटा जब भी प्रूफ वगैरह करना है तो ये चीज़ें लिखनी है, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या लिख देते हैं, वी हैव ट्रायंगल ए बी सी इन विच, इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, इन विच डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड डी ई कट्स ए बी एंड ए सी, ठीक है। ये जो लाइन डी ई है वो ए बी लाइन को कट कर रही है और ए सी लाइन को कट कर रही है डी पॉइंट एंड ई पॉइंट पे, ठीक है जी, एट पॉइंट्स डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बार बार बताया हो, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली कट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है जी। अब टू प्रूफ, टू प्रूफ का मतलब होता है कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना था बेटा, ये प्रूफ करना है ना कि ये पैरलर है, तो यानी कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी आपस में सेम है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी आपस में सेम है, ठीक है जी, ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसके लिए करेंगे छोटी सी कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन का मतलब जो हम अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे प्रूव करने के लिए, मैंने क्या करा, बी और ई को आपस में कर दिया ज्वाइन, लो जी बी और ई को आपस में कर दिया ज्वाइन, ठीक है जी, और ई से एक परपेंडिकुलर उठा के मारा ए डी पे, लो जी ई पे एक परपेंडिकुलर उठा के मारा ए डी पे, ये रहा, ठीक है जी, मान लो ये पॉइंट हो गया एफ। इसी तरह से क्या करूँगा, सी और डी को ज्वाइन कर दूँगा आपस में, ये मैंने सी और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी, और फिर डी से परपेंडिकुलर फेंक के मारा ए ई पे, समझ गए, इसका नाम मान लो कुछ भी है एन ले लो, चलो समझ गए, ठीक है जी। क्या कंस्ट्रक्शन की, बी और ई को ज्वाइन करा, सी और डी को ज्वाइन करा, तो पहले तो ये लिख लो, ज्वाइन ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है जी। क्या करा मैंने, बी ई एंड सी डी को ज्वाइन करा, फिर क्या करा मैंने, डी एन परपेंडिकुलर रखा ए ई पे, ठीक है, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड, और क्या करा मैंने, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है जी, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी, ये दो काम कर दिए मैंने। अब इससे क्या होगा, बहुत कुछ होगा देखना ज़रा, ठीक है, बहुत बहुत मतलब बहुत कुछ होगा, देखो ज़रा यहीं पे कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें बार बार डायग्राम देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना।
ड्रॉ करिए तो डायग्राम तो देखनी है। अब देखो कैसे करना है इसको। अब आ गया जी अपना प्रूफ, अब आ गया जी अपना प्रूफ। ठीक है, प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ में देखो सबसे पहले तो दो ट्रायंगल ले लो तुम। पहले क्या कर ली हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एंड ई। ये देखो ए डी ई, ये छोटी ट्रायंगल, और डी बी ई ये वाली ट्रायंगल। ठीक है जी, समझ गए ना? एक तो ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने, ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने, लो ठीक है, और एक हमने क्या कर दी, ये वाली ट्रायंगल ले ली। ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल्स ले ली हमने, समझ गए। अब देखो बेटा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, यही होता है ना। अब देखो वन बाय टू मल्टीप्लाई ए डी ई, ए डी ई का बेस क्या है तुम्हारे पास, ए डी ई, इसका बेस क्या है, ए डी ओ, ठीक है ना, इसका बेस क्या है। ठीक है जी, अब देखो ये मत कहना कि सर ये ऐसे ट्रायंगल बनी हुई है ए डी ई, तो मैं ये कहूँगा कि इसका बेस जो है वो डी ई है। नहीं, इसका बेस ए डी भी हो सकता है, इसका बेस ए ई भी हो सकता है, इसका बेस डी ई भी हो सकता है। अब हम कौन सा बेस कंसीडर करें बेटा, ये परपेंडिकुलर जो हमने फेंक के मारा था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ करा था बेटा, ये परपेंडिकुलर यही बताता है, ये परपेंडिकुलर जिस साइड पे गिरता है ना, जिस साइड पे फॉल करता है वही अपना बेस होता है। ठीक है, तो अपना बेस क्या हो जाएगा बेटा, अपना बेस हो जाएगा ए डी, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर ई एफ है ये ए डी पे फॉल कर रहा है, तो अपना बेस होगा ए डी मल्टीप्लाई। अब परपेंडिकुलर पता ही है ये वाला ई एफ है, ठीक है, हाइट परपेंडिकुलर कोई बोलते हैं ना बेटा। ठीक है जी, अब नीचे आ जाओ, वन बाई टू मल्टीप्लाई डी बी ई, इसका बेस क्या होगा, डी बी ई, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा अपना डी बी। ठीक है जी, तो इसका बेस है डी बी मल्टीप्लाई, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी ई एफ। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, मैं तुमको रफ में बताऊंगा, ध्यान से देखो। अब तुम ये ना कहना कि सर डी ई बी ये वाली ट्रायंगल है एक, ठीक है, डी बी ई ये ट्रायंगल है और इसका परपेंडिकुलर हम ई एफ ले रहे हैं जो कि ट्रायंगल के बाहर है। बेटा अगर ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये देखो अगर तुम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, ये ट्रायंगल ना कुछ इस तरह की है, ये ऐसे करके ये रही, समझ गए, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है डी बी ई, समझ गए, कुछ इस तरह से है ये, समझ गए ना। अब देखो ध्यान से बेटा कि ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 से बड़ा ना, तुमको इंट्रोडक्शन में बताया था ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है। अब बेटा ध्यान से देखो जो हाइट है, हाइट तो स्ट्रेट होती है ना, ठीक है, अब मैं इसको हाइट थोड़ी ना बोलूँगा, ये टेढ़ी जा रही है, मैं ये थोड़ी बोलूँगा ये हाइट है, हाइट तो बेटा ये है ना इसकी, तो हाइट तो बाहर वाली होगी ना, तो हाइट तो बाहर वाली होगी ना ये वाली, तो ये पॉइंट अपना क्या था एफ है। ये देखो ध्यान से, ये अपना बेस है ना डी बी ई, जिसका बेस क्या है बेटा डी बी है, तो बेटा इसकी हाइट तो ये वाली रहेगी ना ई एफ, बात को समझ रहे हो, जिसका बेस क्या है डी बी है, तो इसकी हाइट तो ये वाली रहेगी ना ई एफ, समझ गए, ये ऑब्ट्यूज एंगल का केस होता है। ठीक है, जिसकी हाइट उससे बाहर रहती है हमेशा, ऑब्ट्यूज एंगल की हाइट हमेशा उससे बाहर रहती है। ठीक है जी, तो इसकी हाइट क्या होगी ई एफ। अब देखो वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, अपने पास क्या बचा, अपने पास बच गया ए डी अपॉन डी बी, ये मान लो आपकी है इक्वेशन नंबर वन, बात को समझ गए ना बेटा। मेन ये पॉइंट समझना था कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर या जिसकी हाइट क्या होती है हमेशा ट्रायंगल के बाहर। ठीक है, छोटी क्लासेस का काम है। अब देखो ध्यान से, अब अगेन कोई और दो ट्रायंगल्स ले लो, कौन सी ट्रायंगल ले लें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। देखो ध्यान से कौन सी ट्रायंगल ले ली, अब ए डी ई फिर से वही ट्रायंगल आ गई, लेकिन इस बार क्या आ गई सी डी ई दूसरी ट्रायंगल आ गई। ठीक है जी, कोई डार्क स्केच है, ये देखो ध्यान से, इस बार क्या करा, ये ट्रायंगल ले ली ये वाली, जो कि पिछली बार भी थी, ठीक है जी,
लेकिन ये साइड वाली ट्रायंगल की बजाय अब राइट साइड वाली ट्रायंगल ले ली छोटी, समझ गए? राइट साइड वाली ट्रायंगल ले ली छोटी, समझ गए ना? अब देखो ध्यान से कैसे आएगा, फिर वही बात है, हाफ मल्टीप्लाई ए डी ई। ए डी ई का बेस क्या बेटा? बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। अब देखो इसका बेस क्या आ जाएगा, अब पिछली बार बेस ए डी लिया था, अब बेस ए ई लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ए ई पे भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब बेस ये हो गया। अब आप ये ना कहना कि सर ये पिछले में क्यों नहीं लिया, पिछले में भी कर सकते थे, पिछले में भी ये ई एफ की जगह हम यही कर सकते थे, लेकिन ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अपनी कन्वीनियंस है, हमें प्रूव करना है, ठीक है जी, अपनी कन्वीनियंस के लिए। और इसका जो अपना हाइट है वो कितनी हो जाएगी? डी एन, ठीक है जी। बेटा ये देखो ना, इस बार हम हाइट डी एन कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम परपेंडिकुलर डी एन लेके चल रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर जिस साइड पे गिर रहा है वही तो बेस होगा ना, तो फिर बेस ए ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस बार हाइट डी एन लेके चल रहे हैं। पिछली बार हम हाइट ई एफ लेके चल रहे थे, तो ई एफ जिसके ऊपर गिर रहा है वो ए डी के ऊपर गिर रहा है, तो हमारा बेस भी ए डी हो गया, इस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है बेटा, ठीक है। कुछ ये ना कहना कि धक्का मुक्की हो रही है, ठीक है जी, धक्का मुक्की नहीं हो रही, ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ परपेंडिकुलर गिरता है उसी को हम हाइट बोलते हैं, ठीक है जी। दूसरी क्या आ गई? सी डी ई, ये रही सी डी ई। अब फिर से ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी, तो इसमें भी हमारा यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो परपेंडिकुलर है वो डी एन होगा इस ट्रायंगल से बाहर, ठीक है जी। तो डी एन कैंसिल, 1/2 1/2 कैंसिल, ये बन गया ए ई अपॉन ई सी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बात को समझे, बात को समझे ना, इसमें करने लायक कुछ नहीं है। देखो दो स्टेप हैं, पेपर में तुम लिखोगे तुमको 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पूरा समझाना पड़ता है कि परपेंडिकुलर कहाँ से आया, बेस कहाँ से आया, ठीक है, इस वजह से इतना टाइम लगता है। तो इस थ्योरम को देख के घबराना नहीं है, जब तुम करने लगोगे तो मुश्किल से 5 मिनट का काम होगा तुम्हारे लिए, मुश्किल से, ठीक है जी, और करना इसको ज़रूर है। अब देखो अगर हम दो ट्रायंगल्स ले लें, बट जो अपनी ट्रायंगल कौन सी है बेटा, कौन सी ट्रायंगल है? डी बी ई एंड ट्रायंगल जो अपनी क्या थी? सी ई डी, ठीक है जी, आर ऑन दी सेम बेस। कौन सा सेम बेस है भाई इनका? इनका सेम बेस कौन सा है? डी ई। ये देखो भाई साहब, ये क्या थी? डी बी ई, ये रही डी बी ई, समझ गए? इसमें हमने बेस क्या कंसिडर करा था? डी ई। उसी तरह से सी डी ई, सी डी ई, ये भी इसी बेस पे है डी ई, ठीक है ना, दोनों सेम बेस पे है ना। ये देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूँ, डी बी ई, ये थी कुछ इस तरह से, ये रही, ठीक है, डी ई बी। इसका बेस क्या लेके चले थे हम? डी ई। दूसरी ट्रायंगल है ये वाली कुछ इस तरह से, ठीक है, इसमें भी क्या है? डी ई सी। इसका भी बेस क्या है? डी ई, समझ गए? जो ये राइट वाली ट्रायंगल है वो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये जो लेफ्ट वाली ट्रायंगल है वो मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है जी। तो बेस तो दोनों का सेम है ना, डी ई। अब देखो सेम बेस से क्या हो जाएगा बेटा, तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं, कि जो ट्रायंगल्स सेम बेस पे होती है ना बेटा, उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस हैव इक्वल एरियाज, समझ गए? जो सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल्स होती हैं ना, उनका एरिया सेम होता है बेटा, ठीक है जी। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? मिलेगा जी, दोनों सेम बेस पे हैं डी ई, देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है जी, बात को समझे, ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें, सेकंड इक्वेशन कहाँ गई? ये रही। अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो इस सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? देखो इस सेकंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को सीधा डिवाइड ही कर दो, इन दोनों को अगर हम सीधा डिवाइड ही कर दें, इसको भी छोड़ो, ध्यान से देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो ये डी बी ई और सी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ये देखो डी बी ई ट्रायंगल और सी डी ई ट्रायंगल, ये दोनों सेम है ना,
यानी कि ये लेफ़्ट वाली क्वांटिटी और ये लेफ़्ट वाली क्वांटिटी सेम होगी, ठीक है ना बेटा। मान लो ये डी बी ई है, ये देखो डी बी ई का एरिया और सी ई डी का एरिया दोनों सेम है, तो मान लो सी डी ई की जगह मैंने डी बी ई रख दिया, तो ये क्या बन गया, ए डी ई अपॉन डी बी ई, डी बी ई मान लो ये वाली ट्रायंगल का एरिया रख दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, ये भी क्या बन गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई। यानी कि जब दोनों लेफ्ट वाले इक्वल हैं तो यानी कि दोनों राइट वाले भी तो सेम होंगे, नाइन्थ क्लास में पढ़ा ना यूक्लिड चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या मिला कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल बन गया, ए ई अपॉन ई सी की, और यही हमने प्रूव करना था। आपको समझे ना बेटा, ये देखो ये दोनों सेम हो गए ना बेटा, ये देखो ऊपर वाला तो सेम ही है, अगर नीचे वाले एरिया आपस में सेम हो गए यानी कि ये लेफ़्ट साइड के इक्वल हो गई, और जब लेफ़्ट लेफ़्ट के इक्वल है तो राइट भी तो आपस में सेम होगा, तो यानी कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी अपना क्या हो गया, सेम हो गया। और ध्यान से देखो यही तो हमने प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही तो प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है जी। हैंस प्रूव्ड, तो ये क्या हो गया, अब प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। तो ये थी अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, इसको दोबारा ज़रूर देखना और बेटा अपने हाथ से लिख के ज़रूर देखना, ये पेपर में पक्का आता है, ठीक है जी। अब जाते जाते एक छोटी सी बात बता देता हूँ, देखो ये हमारे पास ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स भी होता है, ये देखो यहीं पे रफ में लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स का मतलब क्या आता है, उल्टा, कन्वर्स का मतलब क्या आता है, उल्टा यानी कि अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। बी पी टी हमें क्या कहती थी, बी पी टी हमें ये कहती है कि मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें मैंने एक पैरेलल साइड बना दी, तो ये दोनों सेम रेशो में होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम रेशो में होंगे, ये कहती है ना हमें, ठीक है जी, बी पी टी। लेकिन कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये कहता है कि अगर ये रेशो सेम है ना तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, कन्वर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। इफ़ साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर वो जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, देन तो जो आपकी लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल भी हो जाएंगी। यानी कि पेपर में सिर्फ यही नहीं आता कि रेशो सेम करो, ये भी आ जाता है कि लाइंस पैरेलल करो, ठीक है। हालांकि प्रूफ इसी का आता है, कन्वर्स का प्रूफ नहीं आएगा आपको, ठीक है जी। तो ये प्रूफ बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से, ठीक है जी, इसको आराम से देखना, प्रूफ को, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।